लेकिन कल को जब फौज में जाके मरोगे ना बॉर्डर पे तो कहेंगे शहीद, मेरा बेटा शहीद था, मेरी बेटी शहीद थी। जब वो लौट के आया तो उसका जो बदन था वो तिरंगे में लिपट के आया। उससे बेहतर देश के लिए कोई चीज नहीं होती है। जीना है देश के लिए जियो, मरना है देश के लिए मरो, ऐसा हर कोई जीता मरता है। एक कहावत है, When a human is born, he is unconscious at birth, dies in pain and forgot to live life. So, जिंदगी जियो, try to live your life to the fullest. For yourself, for the sake of your parents, for the sake of your state, for the sake of your community, for the sake of your country. That's the most important thing. ये अगर चीज आप कर सकते हैं तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, ये देश बहुत ज्यादा भाग्यशाली है इस प्रकार के युवाओं को पाके। It is very important. हमने एक चीज अभी स्टार्ट किया है टीआरपीसीएल के अंदर कि हफ्ते के अंदर हम दो दिन जितना जो हमारा यूथ है चाहे स्कूल में पढ़ने वाले हैं या जो कॉलेज में हैं उनके लिए हम एक कैरियर काउंसलिंग चलाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग वहां पे आ सकते हैं वहां आइए। इसके अलावा हम उसको ऑनलाइन भी डालेंगे। जो आप लोगों के कोई भी सवाल है, देखिए अभी आप लोगों का कुछ सपना है कुछ बनने का, कोई कोई सोचता है कि मुझे मैं फौज में जाऊंगा मैं ऑफिसर बनूंगा, कोई सोचता है मैं मुझे पायलट बनना है, ठीक है, कोई सोचता है कि मुझे बड़ा होके एक आईपीएस ऑफिसर बनना है, ठीक है, लेकिन आप फिर सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं तो गरीब हूं, मैं कैसे पायलट बन सकता हूं, मैं कैसे आईएएस बनूंगा, मैं कैसे आईपीएस बनूंगा, मैं कैसे अपनी पढ़ाई अच्छे अच्छे किसी कॉलेज में ले सकता हूं। तो जो भारत सरकार है उसने बहुत सी आप लोगों के लिए स्कीम डाली हुई है, स्टूडेंट से लेके युवाओं से लेके महिलाओं से लेके किसानों से लेके बेरोजगारों से लेके हर किसी के लिए स्कीम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो आप लोगों को एम्पावरमेंट की सशक्तिकरण की तरफ लेके जाता है। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सोचेंगे अरे हमारे लिए क्या है, आप लोगों के लिए बहुत स्कीम्स हैं, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, क्लास 12 के बाद की है। अगर आपका मन करे कि अगर आपको विदेश में जाके पढ़ाई करना है गवर्नमेंट उसके लिए भी आपके पास स्कीम है, गवर्नमेंट उसके लिए भी पैसा देता है आपको, तो उन स्कीम्स का फायदा उठाइए। अब मोदी जी ने अभी लास्ट मंथ की बात है, एक मैं उनका भाषण सुन रहा था, तो वो जो इलेक्शन चल रहे थे दूसरे स्टेट में, तो शायद मध्य प्रदेश में उन्होंने एक चीज बोली कि हमारे देश में सिर्फ चार जात हैं। जात यू मीन यू कैन अंडरस्टैंड द कास्ट, यहां पे बोलते हैं कास्ट। आप जब कास्ट का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि भाई ही इज फ्रॉम एसटी, ही इज फ्रॉम एससी, ही इज फ्रॉम ओबीसी और ही इज फ्रॉम सम अदर क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर एंड ऑल। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी वो कहते हैं देश में सिर्फ चार जात हैं,